नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड में लॉकडाउन को जो है वो 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि अब जो लॉकडाउन जो है वो झारखंड में 27 मई तक प्रभावी रहेगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि झारखंड में अब जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। हम लगातार ये बातें कह रहे थे कि सभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रहा है कि 13 मई तक जो लॉकडाउन है इसको जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब लॉकडाउन जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और इस बात पे मुहर लगा दी है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जी ने पहले ही ये कहा था कि झारखंड में संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए अब सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। ये बात जो है वो माननीय हेमंत सोरेन जी ने कल ही कहा था और कल ही हमने ये दावा किया था कि झारखंड में जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। और आज जो आपको बता दें कि आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आपदा प्रबंधन की बैठक की और इस बैठक में जो है वो बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। सभी निर्णयों को हम आपको बताएंगे, जो भी नए गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे आपको वो हम आपको बताएंगे इस लॉकडाउन में, क्योंकि अब लॉकडाउन जो है वो 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 27 मई तक जो है वो झारखंड में अब लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन में क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगे, सभी से हम आपको इस वीडियो में रूबरू करवाने वाला है। तो जैसा कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले झारखंड के सांसदों और विधायकों से बात की थी, उनसे विचार विमर्श किया था, उनके द्वारा जो भी प्रतिक्रिया सामने आई थी उसके बाद जो है वो आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्षता की झारखंड के आपदा प्रबंधन के बैठक की। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन कमेटी के बैठक में डिसीजन जो है वो लिए जा चुके हैं कि झारखंड में लॉकडाउन को जो है वो 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसमें क्या नया नियम आया है तो आपको बता दें कि इस नए नियम में जो है वो अब आवाजाही बहुत तरह से प्रभावित रहेगी। आपको बता दें कि अब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो उनसे जो है वो पुलिस सवाल पूछेगी, साथ ही पास का जरूरत पड़ेगा, जो भी प्राइवेट व्हीकल अगर पकड़े जाएंगे या प्राइवेट व्हीकल जो है वो चलते हुए मिलेंगे तो उनको जो है वो पास या आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। और तो अब जो है वो पुलिस नहीं सुनेगी। आपको बता दें कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा था, तो 2 बजे तक जो है वो काफी छूटें मिली हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, और प्रशासन को जो है वो आपको कारण बताना ही पड़ेगा कि किस कारण से जो है वो आप घर से निकल रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग चुका है। तो इसमें जो है वो प्रशासन अपनी भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा दिखाएगी और प्रशासन जो है वो हर एक लोग से पूछेगी कि आप घर से क्यों निकल रहे हैं जब लॉकडाउन जो है वो प्रभावी रूप से लगा दिया गया है। ये एक सख्ती जो है वो बढ़ती गई है। और आपको बता दें कि दूसरा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फैसला लिया गया है कि जो भी हाट बाजार लगाए जाते हैं वहां पर जो है वो अब पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और पूरी तरह से वहां पर कोरोना रोकथाम के लिए कदम उठाएंगे। इसके साथ ही जो और गाइडलाइंस है वो शादी विवाह के लिए गाइडलाइंस है। आपको बता दें कि अब जो है वो झारखंड में मई के महीने में किसी भी तरह का शादी विवाह का आयोजन नहीं होने पाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो शादी विवाह का आपको आयोजन करना है वो या तो आप कोर्ट मैरिज करें या फिर आप अपने घरों में ही करें, कहीं पे भी बाहर जो है वो शादी विवाह का आयोजन नहीं हो सकेगा। और अगर आप घरों में भी करते हैं और कहे तो कोर्ट मैरिज भी करते हैं तो वहां पे सिर्फ 11 लोगों की उपस्थिति ही दर्ज होगी, मतलब 11 लोगों से ज्यादा जो है वो शादी विवाह के समारोह में नहीं उपस्थित होने पाएंगे। इस बात का फैसला जो है वो झारखंड के आपदा प्रबंधन कमेटी के द्वारा लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने की है। आपको बता दें कि ये एक बड़ा नियम जो है वो बनाया गया है। अभी तक जो है वो 50 लोग जो है वो एक शादी समारोह में शामिल हो सकते थे और ये भी देखा जा रहा था कि शादी समारोह जो है वो बाहर भी किए जा रहे थे, लेकिन अब झारखंड सरकार ने साफ कहा है कि या तो जो है वो आप कोर्ट मैरिज कीजिए या फिर आप जो है वो अपने घरों में ही शादी विवाह का समारोह का आयोजन कीजिए, ये समारोह जो है वो अब बाहर नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ 11 लोगों से ज्यादा की मौजूदगी जो है वो इसमें नहीं हो पाएगी। ये भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की उचित व्यवस्था करने के लिए फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट होना है। ये पहले ही झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये फैसला ले लिया था और इस बात को लेकर सभी डीसीज को जो है वो ऑर्डर भी दिया जा चुका है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से लौट रहे हैं अपनी गांवों की ओर और झारखंड में, उनका जो है वो सबसे पहले जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर आ रहे हैं सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया जाए, उसके बाद जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं
उनको जो है वो इलाज करने के लिए भेज दिया जाए, और जो लोग निगेटिव पाए जाते हैं उनको जो है वो 7 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाए। और आपको बता दें कि क्वारंटाइन जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, उसमें रखा जाए प्रवासी मजदूरों को, और उसके बाद उनका फिर से दोबारा जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट लिया जाए, और उसमें जो है वो अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तभी जो है वो उनको उनके घर की ओर जाने दिया जाए। ये एक बड़ा फैसला जो है वो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लिया है। और आपको बता दें कि इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको जो है वो अब बंद कर दिया गया है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटर स्टेट चलते थे या फिर इंफ्रास्टेट जो चलते थे उनको जो है वो अब बंद कर दिया गया है। लोग जो है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, एक राज्य से जो है वो दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू से। झारखंड में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है इस लॉकडाउन के दौरान। और इसके साथ ही आपको बता दे कि झारखंड सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जो भी लोग राज्य के बाहर से राज्य में आ रहे हैं तो उनको जो है वो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और अगर वो 72 घंटे के लिए सिर्फ राज्य में इंटर कर रहे हैं तभी जो है वो उनको क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। अगर वो 72 घंटे के लिए राज्य में इंटर कर रहे हैं और 72 घंटे के अंदर ही वो राज्य से बाहर निकल जा रहे हैं तब उनको जो है वो क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग जो है वो राज्य के बाहर से अब राज्य में झारखंड राज्य में इंटर कर रहे हैं उन लोगों को जो है वो क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और ये निर्णय जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। यही थे कुछ खास निर्णय जो कि झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय यही है कि अब जो है वो सख्ती का पालन सबको करना पड़ेगा, मतलब आवाजाही जो है वो पूरी तरह से प्रभावित रहेगी, लोग जो है वो रोड पे नहीं दिखेंगे। अगर लोग जो है वो रोड पे निकलते हैं, लोग जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, प्राइवेट गाड़ियों का यूज करते हैं और पुलिस उसको पकड़ती है तो वहां पे जो है वो सीधे तौर पे कारण बताना होगा, कारण बताने के साथ साथ जो है वो पास भी दिखाना होगा, पास की भी व्यवस्था जो है वो आगे की जाएगी। और बिना पास के और बिना कहे तो कारण के अगर कोई लोग जो है वो बाहर निकलते हैं तो उन पे जो है वो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पे जैसा कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले ही कहा था कि इस बार का जो लॉकडाउन है वो सख्ती से पालन होगा, उसका सख्ती से पालन होगा, सख्त नियम बनेंगे, तो इस लॉकडाउन में जो है वो सख्त नियम बना दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नियम बनाया गया है उसको जो है वो पूरी तरह से फॉलो भी करवाया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि झारखंड में जब से लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन लागू हुआ और झारखंड में जब से जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है तब से झारखंड में जो कोरोना के हालात सुधरे हैं, नंबर्स में कमी आई है, तो ये आशा कर सकते हैं हम कि जैसा कि इस बार संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है तो इसके बाद जो है वो झारखंड में कोरोना के चैन को जो है वो तोड़ा जा सके। और इसी के लिए जो है वो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो है वो ये बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसले के बाद से आपको बता दें कि 27 मई तक जो है वो झारखंड में नया लॉकडाउन जो है वो प्रभावी हो चुका है, और इस लॉकडाउन में जो है वो सख्ती काफी ज्यादा रहेगी। जो भी नए नियम बनाए गए सभी नियमों से हमने आपको अवगत करवा दिया। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो जो भी नए वीडियो जाएंगे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।